नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवार का पक्के मकान में रहने का सपना एक बार फिर तेजी से साकार होता दिख रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही गरीबों के कच्चे मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान में तब्दील किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार हर गरीब परिवार को घर मिल सके इसको लेकर काम कर रहा है। इसको लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सत्ती के परियोजना निर्देशक बीपी भारद्वाज ने बताया कि तेजी से पीएम आवास योजना का कार्य किया जा रहा है। हमारी भी कोशिश है कि 15 मार्च तक 90% निर्माण कार्य पूरा हो जाए। इस योजना से लोग काफी खुश हैं। मकान मिलने का खबर से उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव-गांव में शिविर लगाए गए थे, जहां पर ग्रामीणों ने इस योजना को काफी सराहा है और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में 46,585 का हमको लक्ष्य मिला था आवास बनाने का। हमने लगभग 36,679 आवास कंप्लीट कर लिए हैं। 9,906 आवास अभी प्रगति पर है और इसको हमने 9,600 को 15 मार्च तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा है और प्रयास करेंगे कि लगभग सभी आवास कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ अभी जनपद से जानकारी मिली है कि कुछ लोग पलायन किए हुए हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और वो आएंगे तो उनका भी आवास कंप्लीट हो जाएगा। यदि फिर भी हम हमारा इसमें 9,906 जो बचा है वो 90% तक कंप्लीट हो जाएगा 15 मार्च तक। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा विकसित भारत अभियान चला है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों का बहुत ही इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी ग्रामीणों ने, एक एक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनको कच्चे आवास से पक्के आवास में रहने का सुविधा मिल रही है और उनको शीघ्र ही राशि, जो पहले थोड़ा सा दिक्कत थी, उनमें उनकी भुगतान की स्थिति भी क्लियर हुई है और बहुत ही उत्साहपूर्वक अभी आवास निर्माण का काम सभी ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है और उन्हें न केवल शासन प्रशासन को बल्कि बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त किया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय सभी ग्रामीणों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सत्ती की रहने वाली सरस्वती बाई ने बताया कि करीब 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही वो और उसका परिवार कच्चे मकान में रह रहा था। उसका पति रिक्शा चलाता है जिसे जैसे तैसे घर का खर्चा चल पाता है, इसलिए कभी वो पक्के मकान के बारे में सोचा तक नहीं था, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके सपनों को पंख लगने जैसा बताया है। सरस्वती ने कहा कि सरकार ने उसके सपने पूरे कर दिए हैं। सरस्वती अपने पति और बच्चों के साथ पक्के मकान में हंसी खुशी जिंदगी बिता रही है और इस सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार को बार बार धन्यवाद दे रही है। अच्छा लगत है, पहले हम एकदम नीचे रहें, पानी उनी गिरत रही से, पूरा घर भर दाद रही से, कच्चा मकान रही से, अब घर बने के बाद बहुत अच्छा लगते है, एकदम अच्छा है, बढ़िया। पानी गिर रहे थे घर बाहर निकला नहीं, अच्छा अंदर में रहता है, बढ़िया। कितना साल हो गया? 9 साल। पहले कितना साल रहे कच्चे मकान में? अभी कच्चे मकान में मुला आए में है, कच्चे मकान में अब 8 साल रहे हूँ, अब 1 साल बन गए थे तो 1 साल यहाँ एक घर में रहे हूँ, 8 साल ले कच्चे मकान में रहे हूँ। लोग लेकर वगैरह कितना जने हैं? 2 जने हैं। 2 जने, एक जो भाजी रहते और एक सास है और एक पापा, बस। सब भरपूर पर्याप्त बन गए मकान, सब आराम से? हाँ, आराम से रहते बन गए सब। धन्यवाद देव सरकार ला, जो बढ़िया इसने निकाल दीस, जो कुछ भी दीस सरकार बढ़िया दीस, अपन तरफ जो कुछ लगा के हमने बनाए हैं। नहीं बना इसने, अब इतने बड़े मकान तो नहीं बना सकते, रिक्शा चलाते हैं पापा, नहीं बना सकते हम, तो सरकार दीस के नाम से इतने बड़े मकान बनी से मन के सरकार ला धन्यवाद देता जी, बढ़िया निकाल दी से पैसा जो कुछ भी देते। सरस्वती के पक्के मकान का सपना पूरा होने के बाद सत्ती के ही रहने वाले संजीत कसीर का भी पक्के मकान में रहने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। उसने बताया कि पिछले 40 साल से वो अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रहा है। पीएम आवास योजना से उसको भी पक्के मकान की सौगात मिली है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है।
संजीव ने गरीबों के लिए बनाई गई इस योजना के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद किया है। पीएम आवास योजना के आधार से हमने आगे बढ़े हैं कदवा। पहले कच्चा मकान रही ओकरे आधार से हमने आगे बढ़े हैं पक्का मकान बन जाए बोल के। और कच्चा मकान में पहले बहुत परेशानी होती रही हर चीज बा। कितना साल ले रहा था कच्चा? कच्चा मकान तो अब 40 साल हो गए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी लाभ मिला था मकान बना? हाँ, लाभ मिला थे भरपूर लाभ। और ओकरे आधार से हमने आगे बढ़े हैं मकान बनवाए बा। कितना बन गया मकान के भी? मकान अभी तो डीपीसी लेवल में आए और पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं पीएम ला बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत खुशी है मल्ला कि पक्का मकान बन जाए बोल के। सत्ती के जी प्राथन देवांगन ने बताया कि मोदी सरकार की पीएम आवास योजना का उसे लाभ मिला है। वो और उसका परिवार काफी खुश है। बचपन से ही वो अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रहा था और बुनकरी का काम करता है, जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई के बाद पक्के मकान का सपना पूरा हो सके। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना ने उसके वर्षों पुराने सपने को पूरा कर दिया है। जीव राखन और उसका परिवार उनके सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहा है। पीएम आवास के जो स्कीम जो हम लोग घर बना मिली थे उसमें हम लोग बहुत खुशी मिले हैं। पहले कच्चा मकान रहे तो बहुत तकलीफ रही थी हमारा। काहे बरसात आए ना पानी वानी भरे तो बहुत दिक्कत है। ऊपर ले रोड के पानी घर अंदर आ जाए, ऊपर ले जो खबरा उबरा जो रहे छत ले मतलब पानी सबके बहुत तकलीफ रही थी हमारा। कितना साल ले रहा था कच्चा मकान में? तो कच्चा मकान में तो बहुत दिन ले रहे, मतलब बचपन से कच्चा मकान में रहता है। हमारे वो बुनकरी काम करता ना तो हमारे पेटिक पाटले मतलब ना बचत नहीं रहे पैसा, अच्छा मतलब आमदनी कुछ नहीं रही ना। दिन के बहुत दिन का सपना थे लेकिन बहुत मेहनत करे कोशिश करें लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। पीएम आवास सपना पूरा करें? हाँ, पीएम आवास के सपना हमारे पूरा करी थे। काल तो हम मोदी सरकार तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ओकर कारण से हमारे सफल हो गए हमारे सपना है। सत्ती की रहने वाली रेवती बाई ने बताया कि करीब 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी और तब से वो अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रही थी। बरसात में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था, मगर पति की इतनी आमदनी नहीं थी कि पक्का मकान बन सके। मगर मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके परिवार का सालों पुराना सपना पूरा हो गया है, जिसके लिए वो और उसका परिवार मोदी सरकार को बार बार धन्यवाद दे रहा है। एकदम मतलब जमीन से कच्चा सीढ़ा एकदम कच्चा और बहुत अच्छा बन गया। अब बढ़िया खुश है, बढ़िया से रहता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से है। कितना साल ले रहे कच्चा? हम बहुत दिन ले रहे हैं, जब से आए हूँ पहली के मर रहा है। मतलब 20-25 साल हो गया है तब ले कच्चा। अभी साल भर हो से मकान ल बने और कभी प्रयास नहीं करे अपन खुद के मकान बन गए पक्का मकान कोशिश करें? कोशिश करें लेकिन नहीं हो पाईस जाना ना, कुछ न कुछ दिक्कत आ जाए। उतना कमाई भी नहीं होती से और लड़का भी पढ़ाई करे करी से ओकरो फीस वीस देना रहे और सब चीज के खर्चा की वजह से कुछ हो नहीं पाती से। और सरकार की योजना निकली से तब इसका लाभ मिली से तब ठीक है। अब कही दो सब घर द्वार सब बन गए के दो और आपको धन्यवाद है मोदी सरकार के जो हमन के सब दुख ल दूर हो गए सब चीज के लाभ मिली से होकर। सत्ती जिले में पीएम आवास योजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों को भी जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए ताकि इस साल बरसात से पहले गरीब के कच्चे मकान पक्के हो जाएं और सरकार का जो सपना है कि हर गरीब के पास पक्का मकान हो वो पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिव्य ज्योति विशेष विद्यालय में बसंत पंचमी व मातृपित्व दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर दिव्य ज्योति विशेष विद्यालय की प्राचार्य रीता क्षेत्रपाल और इनर व्हील एजुकेशन सोसाइटी की सचिव साक्षी क्षेत्रपाल के कर कबलों से दिव्य ज्योति मंत्र के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। विद्यालय के शिक्षकगण एवं सभी छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। वहीं तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सरस्वती वंदना एवं माता पिता गुरु के सम्मान में गीत की प्रस्तुति की गई। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में डीआरजी बस्तर फाइटर्स टीम 4 और सीआरपीएफ 230 यंग प्लाटून की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। डीआरजी बस्तर फाइटर्स सीएएफ और सीआरपीएफ के 111वीं वाहिनी, 230वीं वाहिनी और 195वीं वाहिनी ने मिलकर नक्सलियों पर कार्रवाई की। वहीं गमपुर गांव के आसपास पहुंचते ही नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायर शुरू कर दी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद छानबीन के दौरान नक्सलियों के पास से 2 भरमार बंदूक सहित क्लेमोर बम, बीजीएल सेल, 3 टिफिन बम सहित कई विस्फोटक पदार्थ और अन्य नक्सली सामान बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिला दंतेवाड़ा में चलाया जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी को बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिला के सरहदी गांव डोडे तुमनार गमपुर के क्षेत्र में पश्चिम बस्तर डिवीजन एवं दरभा डिवीजन के शीर्ष माओवादी की उपस्थिति की आसूचना पर डीएसपी राहुल उके के नेतृत्व में डीआरजी बस्तर फाइटर सीएफ एवं सीआरपीएफ के 111, 230, 195 के यंग प्लाटून का बल नक्सलग्रस्त सर्च अभियान हेतु रवाना हुए थे कि दिनांक 16 फरवरी की सुबह जैसे ही डीआरजी बस्तर फाइटर के टीम नंबर 4 एवं सीआरपीएफ 230 के यंग प्लाटून गमपुर गांव के पास पहुंचे थे, तभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर अंधाधुंध फायरिंग किया। सुरक्षा बलों ने भी आत्म सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई किया। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। उसके पश्चात आसपास के एरिया में सघन सर्च करने पर 2 नग भरमार बंदूक, 1 क्लेमोर बम, 3 नग टिफिन बम, 2 नग बीजीएल कसेल एवं डेटोनेटर वायर एवं अन्य नक्सल सामग्री मौके से बरामद हुए। सरगुजा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और सहायिकाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कुछ हुआ हमारे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरगुजा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं जिला अध्यक्ष अनूप कुशवाहा के नेतृत्व में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपने सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंची। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांगों में प्रमुख रूप से वेतन, पेंशन और शासकीय करने की मांग है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जो 4,500 रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं वो उनके कार्य के अनुसार काफी कम है, साथ ही इतना वेतन उनके जीवन स्तर के लिए काफी कम है। इस वेतन में उनका घर खर्च भी नहीं चल पाता। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारी जो 8 मांगे लंबित है उसको हम याद दिलाने के लिए आज धरना रैली में उतरे हैं कि हमको, हम जो पहले से ही मांग करते आ रहे हैं उसको शासन हमारा मांग को पूरा करे। हमारी मांगे हैं हमारी मानदेय में वृद्धि करे, जीने लायक हमको वेतन दे। जी हाँ, इससे पहले हमने 43 दिन का हड़ताल किए थे, उसमें राज्य सरकार द्वारा हमें कुछ मानदेय बढ़ाया है, लेकिन वो हमारे जीने लायक तो नहीं है लेकिन संतोषजनक बढ़ाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार भी हमको कुछ मानदेय में वृद्धि करे। आज हम अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना रैली पर बैठे थे और अभी रैली के माध्यम से हम माननीय कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारे 8 सूत्री मांग है। पहला मुख्य मांग
सबसे पहले तो मैं यहाँ बने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा केंद्र सरकार और प्रांत दोनों एक ही सरकार बने हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज पिछला सरकार जो था वो हमारे पिछले 48 दिन के हड़ताल में संतोषजनक तो मानदेय नहीं बढ़ाए, फिर भी एक उम्मीद की किरण कुछ बहुत हमारा पैसा बढ़ाए। उसी उम्मीद के साथ हम आज लोकसभा चुनाव से पहले यह उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यह हड़ताल रैली कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाह रही हूँ कि हम कार्यकर्ता बहनों की ओर आपका ध्यान आए और हमको भी जीने लायक वेतन दे। आज हमारा आरसीडीएस का स्थापना 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 50 साल से हमें सिर्फ 4500 रुपए ही मानदेय राशि दिया जा रहा है केंद्र सरकार से, जो जीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम बस बार बार यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारे मुख में जो मांगे हैं 8 सूत्री, उस मांग को पूरा किया जाए, हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा, हमें जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तब तक जीने लायक वेतन 21,000 कम से कम दिया जाए। हमारी जो सहायिका बहने हैं उनको हमारे जो वेतन है 21,000, उसमें से कम 85% उनको 17,850 रुपए उनको दिया जाए। जो मिनी कार्यकर्ता बहने हैं जो हमारे बराबर काम करते हैं लेकिन उनको जो मानदेय राशि मिलता है उसमें भिन्नता है, उस भिन्नता को हटाकर मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ और प्रधानमंत्री से कि उस भिन्नता को समाप्त करके समान काम का समान वेतन दिया जाए और जो मिनी कार्यकर्ता का जो नाम लगा है उस मिनी को हटाकर सबको मेन में सम्मिलित किया जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि हम जब रिटायर होते हैं तो खाली हाथ रिटायर हो जाते हैं, उनसे चाहते हैं कि कम से कम हमको कार्यकर्ता लोग को 5,00,000 की राशि रिटायर पेंशन के रूप में हमको दिया जाए, पेंशन के रूप में दिया जाए। और पेंशन में कम से कम एक कार्यकर्ता को 10,000 की महीना में 10,000 रुपए दिया जाए और सहायिका को 7,000 रुपए दिया जाए ताकि वो बुढ़ापा का सहारा बन सके, उनके लिए जीवन का कुछ आधार बन सके। और एक मांग हमारा है, जो केसकाल की महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं केसकाल के नाम से जानते हैं, उनको केसकाल से हटा के मेन कार्यकर्ता को उनको पद दिया जाए। और हम कितने सारे जो बहने हैं, दीदी हैं, एमए बीए बहुत सारे योग्यता लेकर बैठी हैं तभी आज कार्यकर्ता के पद में है, 30 साल 35 साल 40 साल से आंगनबाड़ी में पदस्थ है, उनको भी बिना परीक्षा का आज हमारे साथ जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको बैठाया जाता है, उनके साथ हमारा एग्जाम लिया जाता है। बहुत सारे जो दीदी हैं बहन हैं वो पिछड़ जाती हैं, तो मैं उस भिन्नता को हटाकर परीक्षा न लिया जाए, उम्र बंधन को हटा दिया जाए और हमको प्रमोशन दिया जाए। जो सहायिका बहने हैं जहाँ पे रिक्त पद खाली होता है कार्यकर्ताओं का, उस रिक्त पद पर 100% सहायिकाओं का भर्ती लिया जाए। बस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि यही हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। जिला सचिव हूँ मैं जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ का 409 संघ का मैं जिला सचिव हूँ। हमारी मुद्दा है, मेन मुद्दा तो हमारी मान देना, जो इतना कम केंद्र सरकार दे रही है, जो कि 9 साल पहले जो माननीय नरेंद्र मोदी इस मेन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि हम नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों को हम उनका मतलब जीने लायक सम्मान दे मान देंगे, 4,500 में आज क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री का जो कुत्ता है ना वो भी बिस्कुट खाता होगा 20,000 का, और हम लोग तो उससे भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। 9 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री से, तो मैं निवेदन करूंगी, वो फिर से लोकसभा चुनाव है तो हम सभी बहनों का मांग है कि हम लोग को सम्मानजनक वेतन दे, 30,000 रुपया हम लोग को सम्मानजनक मानदेय दें, मिनी आंगनबाड़ी को मेन आंगनबाड़ी बनाए, हम लोग को पेंशन भी दें और नियमितीकरण हम लोग को करें जी। हम लोग का लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हर साल हम लोग लड़ते हैं और बोलते हैं और वो आके हम लोग को आश्वासन देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को 9 साल पहले बोले थे कि हम जैसे सरकार में आते हैं हमारी कार्यकर्ताओं बहनों आशा कर्मचारी को हम सबसे ऊपर रखेंगे। और आज भी हम लोग जब एक विवाहित महिला आती है वहाँ से लेके गर्भवती होती है, उस गर्भवती महिला का पूरा काम करते हुए उस बच्चे का शादी तक कराते हैं, फिर भी हम लोग को एकदम नीचे ग्रेड पे रखा गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कलेक्टर तो अनुपस्थित मिले, जिसके चलते उन्होंने अंबिकापुर एसडीएम प्रदेश सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन तो ले लिया गया है, लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि इस ज्ञापन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, और अगर होती भी है तो कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर जिले में कार्यरत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 6 फरवरी 2024 को प्रशासन को आवेदन देकर एक दिवसीय धरने पर बैठने के लिए जगह की अनुमति मांगी, पर अनुमति नहीं मिली, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। देखिए सर, हमने ये वक्त इसलिए चुना है क्योंकि हम तो काम करते हैं सर। ऐसा कौन सा काम है जिसको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं करती? हर तरह की कामों को हमसे लिया जाता है, कभी पल्स पोलियो, कभी कृमि दिवस, कभी शिशु संरक्षण, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं बताइए। अब आ गया महतारी बंधन। महतारी बंधन में हम रात के 2-2 बजे रात तक एंट्री कर रहे हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं सरकार से कि हम और बेहतर काम भी कर सकें। हमको कम से कम हमारे मानदेय में तो थोड़ा वृद्धि कर दें, हमको थोड़ा सा हमारे परिवार में कोई है हमारे बाद तो उनको अनुकंपा नियुक्ति दे दें। हम छोटा छोटा मांग रखे हैं सर उनसे, बस हम चाहते हैं। केंद्र के कर्मचारी हैं हम, केंद्र के कर्मचारी हैं, लेकिन हमको वहाँ से हमको मिलता कितना है? मात्र 4,500 रुपए मिलता है। 4,500 में हम कितने केंद्रीय योजनाओं को हम हितग्राहियों तक पहुँचाते हैं? हम ये चाह रहे हैं सरकार से कि हमारी मांगों को सुन ले वो, जैसे वो इतने सारे काम कर रहे हैं, महान इतने महान व्यक्ति हैं, इतने बड़े बड़े कार्य को कर रहे हैं, तो हम महिलाओं के लिए भी तो छोटा सा कार्य कर दें, कम से कम हमारा मानदेय को बढ़ा दें। हम चाहते हैं ज्यादा का मांग तो हम नहीं कर रहे हैं, 21,000 मानदेय कर दें और हमको केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दे दें। राज्य बोलता है तुम केंद्र के हो, केंद्र बोलता है तुम राज्य के हो, अब हमको दो पार्ट में रख के पीस रहे हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि हम राज्य के हैं कि केंद्र के हैं। तो हम जानना चाहते हैं आपके हैं, आप बोलते हो कि हम आपके कर्मचारी हैं, तो ठीक है हम आपके कर्मचारी हैं, तो हमको उस हिसाब से मुआवजा भी तो दें जितना हमसे मेहनत लेते हैं। इस वजह से हम 6 तारीख को आवेदन लगाए थे कि आज 16 तारीख की जो हमारी हड़ताल थी, ये पूरे केंद्र लेवल पर चल रहा है, ये हड़ताल केंद्र लेवल पर है, हर जिले में हर राज्य में हो रहा है, तो इसके लिए हम लगाए थे, लेकिन SDM महोदय ने हमको अनुमति नहीं दिया पंडाल का, जिसकी वजह से हम बाकी कार्यकर्ताओं को रोक लिए कि मत आओ यहाँ, क्योंकि 2000 से ज्यादा की संख्या है हमारी जिले में, तो उनको रोक लिए। अब जिन तक संपर्क नहीं हो पाया वो कार्यकर्ताएं आ चुकी हैं यहाँ, तो अब आए हैं, तो अब हम ज्ञापन सौंप के ही जाएंगे कलेक्टर महोदय को। प्रधानमंत्री जी के नाम से हम ज्ञापन छोड़ने आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को सहानुभूति पूर्वक वो मान ले, नहीं मानेंगे तो फिर आगे फिर देखेंगे, फिर आगे और लड़ाई है। तो फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार। बस 3 इज